नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेएनपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। राजनीति के किंग मेकर जाने वाले प्रशांत किशोर एक बार फिर चर्चाओं में बने हुए हैं। पर्दे के पीछे से पर्दे की पट कथा लिखने वाले प्रशांत इन दिनों मुखर रूप से बयानबाजी कर रहे हैं। इस बार उन्होंने ये बयान तेजस्वी को लेकर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। अभी 25 तक रहना है तो इनको साथ में लाओ और जाने से पहले इस भस्मासुर को सर पर बैठा के जाओ ताकि बिहार की जनता भोगे। अब की बार मोदी सरकार और बिहार में बहार है, जैसे नारे देने वाले जाने माने रणनीतिकार इन दिनों राजनीति में काफी सक्रिय हो गए हैं। वे आए दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर निशाना साध रहे हैं। बीते दिनों पीके ने तेजस्वी यादव को भस्मासुर तक बोल डाला। उन्होंने कहा कि बिहार के सीएम चाहते हैं कि 2025 में राजद सत्ता में आए और भस्मासुर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाए, ताकि जब लोग जंगल राज के लिए परेशान हो तब लोग नीतीश को बेहतर मुख्यमंत्री के तौर पर याद करें। इसलिए नीतीश कुमार आरजेडी के लीडर को बढ़ा रहे हैं ताकि उनके जाने के बाद 25 के बाद उनको नहीं बढ़ाना, उनको भी मालूम है, तो जनता फिर जब जंगल राज आ जाए वापस ताकि इनकी लेगेसी बची रहे, लोग कहे कि भाई इससे बढ़िया तो नीतीश कुमार था, कोई बढ़िया आ जाएगा तो आदमी कहेगा कि नीतीश से छुटकारा मिला तो कोई अच्छा सरकार बन गया, तो इससे भी खराब सरकार होनी चाहिए ताकि कोई नीतीश कुमार को लोग यही कहे कि बहुत बढ़िया, देखिए कितनो खराब थे तो नीतीश। प्रशांत ने ये बातें चंपारण में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। जेडीयू के उपाध्यक्ष रह चुके प्रशांत लंबे समय से नीतीश पर हमलावर तो है ही, लेकिन अब उनके ये हमले काफी तीखे होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के फैन हो गए हैं? यह उनकी सोची समझी रणनीति है ताकि भस्मासुर को सत्ता पर बिठा कर जाए और लोग उनको भोगे और उन्हें बेहतर मुख्यमंत्री के तौर पर याद करें। यही पॉलिटिक्स है, इस बात को आप समझिए। उनको कोई तेजस्वी यादव से प्रेम नहीं, हम नहीं जानते नीतीश कुमार आप तेजस्वी यादव में क्या संबंध है, हमसे ज्यादा आप नहीं जानते होंगे। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के फैन हो गए हैं। अरे उनको ये उनकी सोची समझी रणनीति है कि अभी 25 तक रहना है तो इनको साथ में लाओ और जाने से पहले इस भस्मासुर को सर पर बैठा के जाओ ताकि बिहार की जनता भोगे देखे और हमको याद करे कि भैया इससे बढ़िया तो। अब पीके से बेहतर बिहार की राजनीति को कौन समझ सकता है, क्योंकि अगर वे लोगों की छवि चमकाने में माहिर हैं, तो उनकी छवि धूमिल करने में भी महारत हासिल है। हालांकि खुद पीके भी बिहार में सियासी जमीन को टटोल रहे हैं। जाहिर है 2024 से पहले सियासी उपमाओं का ये खेल और तेज होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज।